हेलो एंड वेलकम बैक टू बिंदास बी। मैं हूँ बीजल और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर ही हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे करें, वो भी बहुत ही इजीली एंड स्टेप बाय स्टेप। अब आपको कभी बाहर पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही आसानी से हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग के पहले जब भी आप शैम्पू करें तो कंडीशनर ज़रूर करें शैम्पू के बाद, ताकि आपके बाल थोड़े से स्मूथ और शाइनी हो जाए। और जब भी आप हेयर स्ट्रेटनिंग करें तो ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गीले बाल नहीं होना चाहिए, मतलब हमें सूखे बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग करना है। हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए चाहिए हमें सिर्फ तीन चीज़ें। पहला है ये हेयर स्ट्रेटनर, दूसरा है कॉम्ब और तीसरा है ये हेयर सीरम। मेरे पास है ये लोरियल का हेयर सीरम, आप अपने चॉइस से कोई भी हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद करा दूं कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा सीरम लगा लेंगे हमारे पूरे बालों में। उसके बाद सारे बाल हम अच्छे से कॉम कर लेंगे। अब हमें हमारे बालों को दो पार्ट में डिवाइड करना है इस तरह से। ऊपर वाले बालों को पिन कर दीजिए। अब हम जो ये नीचे बचे हुए बाल है उसे पहले स्ट्रेटनिंग करेंगे। तो शुरुआत हम यहां से करेंगे, पीछे वाले बालों से। थोड़े थोड़े बाल लेते जाइए, कॉम्ब कीजिए और स्ट्रेटनिंग करना है, जस्ट लाइक दिस। जो बाल स्ट्रेट हो जाए उसको हम पीछे की तरफ रख देंगे, दूसरे बाल लेके। और स्ट्रेटनिंग करेंगे। मेरे बाल छोटे हैं, अगर आपके बाल थोड़े से बड़े हैं, घने हैं, तो भी आप इसी तरह बालों में पार्ट्स बनाकर बहुत ही आसानी से स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। ये बाल भी हम पीछे की तरफ जाने देंगे। इस तरह से सारे बालों पे कॉम्ब करते जाइए और स्ट्रेटनिंग करते जाइए।
नीचे के बालों में स्ट्रेटनिंग हो जाने के बाद हम ये ऊपर वाला पोर्शन है वो ओपन करेंगे, ये बाल जाने देंगे हम पीछे। अब ये जो पोर्शन है उसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक वाला हम नीचे ले लेंगे और दूसरा फिर से पिन कर देंगे। अच्छे से कॉम कर लेना है और बस जिस तरह हमने जो नीचे वाले बालों को स्ट्रेट किया था उसी तरह सबसे पहले पीछे वाले बालों को लेना है, स्टार्ट करना है पीछे से। कॉम कीजिए और स्ट्रेटनिंग कीजिए। इस तरह से पीछे से स्ट्रेटनिंग करने का फायदा ये है कि आपके पीछे के कोई बाल छूटेंगे नहीं कभी, सारे आगे से लेके पीछे वाले बालों पे अच्छे से एक तरह से स्ट्रेटनिंग होगा। ये पोर्शन का स्ट्रेटनिंग हो जाने के बाद अब लास्ट बचा ये पोर्शन, इसे भी हम ले लेंगे बाल नीचे। अच्छे से कॉम्ब कर दीजिए और सेम उसी तरह से पीछे के बालों से हमें स्टार्ट करना है। Thank you.
तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटनिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।